प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की संकल्पना को समझा था। आज हम देखते हैं सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो सम्मिश्र संख्याओं का योग। मान लीजिए हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या a प्लस आई बी हो और दूसरी सम्मिश्र संख्या c प्लस आई डी हो, तो हम कैसे इसको निकालेंगे, सम इनका। देन जेड वन प्लस जेड टू ये बराबर होगा, यहां से हम करें a प्लस आई बी प्लस c प्लस आई डी। अब निश्चित तौर पे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ दीजिए, a प्लस सी प्लस आई बी प्लस डी। ये जो वैल्यू आएगी यही आपकी, आप देख रहे हैं, यदि इसको हम p रख दें और इतने को हम q रख दें, तो यह जो संख्या आई, दोनों का सम आया, यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो यहां पे आप दिख रहा है कि किन्हीं भी दो संख्याओं को अगर हमें जोड़ना है तो दोनों का सम क्या आएगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ दीजिए और कॉम्प्लेक्स पार्ट को कॉम्प्लेक्स पार्ट के जोड़ दीजिए। सिंपल, जैसे हम अलजेब्रिक सम करते हैं उसी ढंग से इसको कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। एक छोटा सा उदाहरण ले लें, जैसे हम कहें यदि हमारे पास 2 प्लस 4i हो और इसमें हमें ऐड करना हो 6 प्लस 3i, तो जब हम इनको देखेंगे कि ये हमारा z1 हो गया, ये हमारा z2 हो गया, जब इन दोनों का सम करें तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ 4 3 7 i, यही हमारा हो जाएगा z1 प्लस z2। बहुत ही सिंपल सा ऑपरेशन है, इस ढंग से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऐड करें, उनका सम करें, तो जो वैल्यू आएगी वह क्या आएगी, वह वैल्यू भी एक रियल नंबर ही प्राप्त हो रही है। तो इस चीज को कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ऑफ एडिशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अनुसार कि इफ जेड वन एंड जेड टू बिलोंग्स इन सी, देन जेड वन प्लस जेड टू ऑल्सो बिलोंग्स इन सी फॉर एवरी जेड वन and Z2 belonging in C। यानी किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लें, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लें, यदि हम उनका सम करेंगे तो जो संख्या आएगी Z1 plus Z2 वह भी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। इसके अलावा जो एडिशन है यह अन्य प्रॉपर्टीज को भी शो करता है। जैसे हम कहें कम्यूटेटिव रूल, क्रम विनिमेय नियम का भी यह पालन करता है। जैसे हम कहें कि जेड वन प्लस जेड टू कर दें या फिर जेड टू प्लस जेड वन कर दें, दोनों की जो वैल्यू आएगी वह सेम होगी, अर्थात Z1 plus Z2 is equal to Z2 plus Z1 for every Z1 and Z2 belonging in complex number। इस नियम को कहा जाता है क्रम विनिमेय नियम। जैसे हम कहें कि Z1 plus Z2 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 plus 7 आई
अब अगर हम जेड टू को ऊपर कर दें और जेड टू को जेड वन को नीचे कर दें, फिर उनका ऐड करें, तब भी तो यही वैल्यू आएगी। इस ढंग से हम देखते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन है यह क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है। इसी ढंग से आप देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वह एसोसिएटिव रूल का भी पालन वहाँ होता है। एसोसिएटिव रूल का क्या कहता है कि जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री विल बी इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री फॉर एवरी जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री बिलोंगिंग इन कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि हम किन्हीं तीन कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याओं को ले लें, पहले हम उनमें दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ें, जो योगफल आए उसमें पहली संख्या को जोड़ दें, तो जो रिजल्ट आएगा वह उसी के बराबर होगा जब हम पहले प्रथम दो संख्याओं को जोड़ें और जो योगफल आए उसमें तीसरी संख्या को जोड़ दें। तो अगर ऐसा हो रहा है, दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, तो हम इसे कहते हैं एसोसिएटिव रूल का पालन हो रहा है, अर्थात साहचर्य नियम का यहाँ पे पालन हो रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एडिशन है वो एसोसिएटिव रूल का भी पालन करता है। नेक्स्ट हमारा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तत्समक की उपस्थिति, क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट होती है कि नहीं एडिशन में? तो निश्चित तौर पे एडिशन में आइडेंटिटी एग्जिस्ट होती है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने का मतलब है कि किसी संख्या में यदि हम एक ऐसी संख्या को जोड़ें कि जोड़ने के बाद वही संख्या आ जाए, तो इसे हम, इस नंबर को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यह जो डेफिनेशन है एडिटिव आइडेंटिटी की, कि इफ फॉर एवरी या बिलोंगिंग इन सम सिस्टम, हम यस लिख दें, किसी सिस्टम यस के लिए जितने भी यस इसमें विद्यमान हों, यदि इसके लिए हमारे पास एक ऐसी संख्या ई आ जाए कि जिसे हम यक्स के साथ जोड़ें तो हमें यक्स ही मिल जाए। इस जनरल आइडेंटिटी की यह डेफिनेशन है। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, यह हमको देखना है। तो देखें कैसे इसको देखेंगे। यदि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें जेड के प्लस आई वी, तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक जीरो है, जीरो प्लस आई इंटू जीरो, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन दी गई थी उसमें कहा गया था ऐसी प्रत्येक संख्याएं जो ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखी जा सकें, जहां ए और बी क्या हैं, रियल नंबर। तो हम जानते हैं कि जीरो रियल नंबर है, तो जब जीरो रियल नंबर है तो रियल नंबर्स के पदों में हम आई के साथ अगर किसी संख्या को लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये जो जीरो है यह एक कॉम्प्लेक्स संख्या भी है। अब यदि हम z प्लस जीरो को कर दें तो निश्चित तौर पे a प्लस आई बी प्लस जीरो प्लस आई जीरो कर, और इनको जब ऐड करेंगे तो a प्लस जीरो प्लस आई बी प्लस जीरो हो, और a में जीरो का ऐड करने का मतलब a ही आएगा और i इंटू बी आएगा। तो इसके डिफिनेशन के अनुसार आइडेंटिटी वह होती है जब हम किसी संख्या में आइडेंटिटी को ऐड करें
तो वह संख्या स्वयं आ जानी चाहिए। और वही यहाँ पे भी हो रहा है कि इस जड़ में जब हमने जीरो को ऐड किया तो हमें क्या मिला, जड़ ही मिल गया। तो हम कहेंगे कि जीरो जो है, जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो प्लस आई जीरो, यही हमारा आइडेंटिटी है, इज आइडेंटिटी। Of addition in complex system, complex number. अब जब identity exist कर गई तो निश्चित तौर पर हमें इसका inverse भी exist करेगा। Inverse क्या होता है जरा सा उसको देख लें। किसी इनवर्स की जो जनरल प्रॉपर्टी होती है कि यदि हम कहें कि फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग इन यस, कोई सिस्टम हम ले लें, नंबर सिस्टम यस, और यदि एक्स के प्रत्येक अवयव, जो एक्स के अवयव हों, फॉर एवरी एक्स हम एक ऐसा एक्स प्राप्त कर लें, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग इन यस देयर एग्जिस्ट माइनस एक्स बिलोंगिंग इन, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग इन एस देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंगिंग इन एस सच दैट एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू जीरो, या आइडेंटिटी ई। तब हम कहेंगे y is inverse of x। तब हम y को x का inverse कहेंगे और यह कहेंगे कि इस नंबर सिस्टम में inverse exist करता है। तो यहां पे हम देखें क्या हो रहा है। ये तो हो गया जनरल डिफिनीशन inverse की। हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में हम आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में देखते हैं कि क्या हो रहा है। यदि हमने जेड मान लिया, यह है, इस जेड की आइडेंटिटी ई यह हो गई, यह आइडेंटिटी है। अब हमें देखना है कि क्या कोई दूसरा जेड ऐसा हमको मिलेगा कि जिसका हम ऐड कर दें, इसके साथ ऐड कर दें तो हमें ई मिल जाए। तो देखें कैसे हम कर सकते हैं इसको। जैसे हमने कहा कि हमने z ले लिया और z में z डैश को ऐड कर दिया। यदि z डैश ऐसा हमें कोई मिल जाए कि इन दोनों को सम करने पर e आइडेंटिटी आ जाए, और आप जानते हैं कि z कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो जीरो होती है। अभी हमने बताया था कि जीरो है एडिटिव आइडेंटिटी। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं ये a प्लस आई बी है। इसमें हम सपोज कीजिए सी प्लस आई डी को जोड़ते हैं और ये वैल्यू हमारी क्या आ जा रही है, जीरो प्लस आई जीरो आ जा रही है, क्योंकि जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ए प्लस सी प्लस आई बी प्लस डी मिलेगा और ये वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो प्लस आई जीरो। यहां से आपको दिख रहा है कि a प्लस c इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू माइनस c। ऐसे ही यहां पे d प्लस d इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू माइनस d, या इसी को हम कह सकते हैं कि c विल बी इक्वल टू माइनस a एंड d विल बी इक्वल टू माइनस d। अब यदि a रियल नंबर था तो निश्चित तौर पे माइनस a भी रियल नंबर होगा, और यदि b रियल नंबर था तो निश्चित तौर पे माइनस b भी रियल नंबर होगा। और इन दोनों को मेल से जो संख्या बनेगी z डैश, दिस इंप्लाइज z डैश विच इज इक्वल टू c प्लस id, को हम लिख सकते हैं
माइनस ए प्लस आई माइनस बी, यह भी रियल नंबर है, यह भी रियल नंबर है, तो पूरी संख्या जो आएगी यह हमारी क्या हो जाएगी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। हम एक जड को लेके चले थे और देखा कि इस जड के लिए हमारे पास यह माइनस ए प्लस आई माइनस बी हमारे पास एडिटिव इनवर्स के रूप में आ गई। इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रत्येक संख्याओं का योज्य प्रतिलोम उपलब्ध होता है। और योज्य प्रतिलोम निकाला कैसे जाता है, यदि हमारे पास कोई संख्या दे दी जाए, जैसे कहा जाए 2 प्लस आई 4 और कहा जाए कि इसका योज्य प्रतिलोम निकालिए, तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा क्या। हमने अभी देखा कि जेड का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, माइनस ए प्लस आई माइनस बी। तो इसका जब योज्य प्रतिलोम हम लिखेंगे या एडिटिव इनवर्स लिखेंगे तो जो ए होगा उसकी जगह पे माइनस कर लगा देंगे और जहां पे बी होगा उसकी जगह पे माइनस होगा। ये जो नई संख्या आएगी यही हमारा क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे। यदि हम कहें कि जेड वन हो ए प्लस आई बी और जेड टू हो सी प्लस आई डी, यदि हम कहें कि जेड वन माइनस जेड टू निकाले तो हमको कुछ करना नहीं है, जैसे इसके पहले हम सामान्य अलजेब्रा में करते रहे हैं वही काम करेंगे। ए प्लस आई बी माइनस ऑफ सी प्लस आई डी करेंगे और आप देख रहे हैं कि ए जब यहाँ पे अंदर जाएगा तो ये माइनस सी हो जाएगा प्लस आई, बी यहाँ पे है और जब माइनस आएगा तो माइनस डी हो जाएगा, बी माइनस डी। अर्थात डिफरेंस के समय हम क्या करेंगे कि जो रियल नंबर हो उसमें से दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को घटा देंगे और जो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट हो उसमें से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को घटा देंगे और जो वैल्यू आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस आ जाएगा। एक उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे हम कहें कि 2 प्लस 6 आई, इसमें से हमें घटाना है 1 प्लस 2i। तो जैसे हम यहाँ पे किया, हमने देखा कि जो रियल पार्ट है उसमें से रियल पार्ट को घटा दीजिए 2 माइनस 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को घटा दीजिए तो 6 माइनस 2, यहाँ से आंसर आ जाएगा 1 प्लस 4i, यही आपका डिफरेंस हो जाए। तो किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपल अलजेब्राइक मेथड में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस न किया गया होता जैसे आप इक्वेशंस में घटाते थे, सेम वैसे ही आप घटा लेंगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। वास्तव में हम यहाँ पे करते क्या हैं कि रियल पार्ट से कॉम्प्लेक्स के रियल पार्ट को घटाते हैं तथा इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को घटाते हैं और जो नंबर आती है वही हमारा क्या हो जाता है, डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी है और दूसरा सी प्लस आई डी है। यदि हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना हो, जेड वन इंटू जेड टू निकालना हो, यह जो जेड वन इंटू जेड टू आएगा वह ए प्लस आई बी
सी प्लस आई डी। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन अभी तक करते आए हैं वैसे ही आप इस ब्रैकेट को ओपन करके मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी नेक्स्ट आई आई दैट विल बी आई स्क्वायर बी इंटू डी। अब यहां से हम कर सकते हैं कि ए सी इस आई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स को जब इंट्रोड्यूस किया गया था उसी समय बताया गया था आई स्क्वायर का जो मान होता है माइनस वन के बराबर होता है। अगर आई स्क्वायर का मान माइनस वन के बराबर होता है तो निश्चित तौर पे इसे हम माइनस वन बी इंटू डी कर देंगे और इस पोर्शन को हम इधर ले आ दें माइनस बी इंटू डी प्लस आई ए डी प्लस बी सी। यहां से आपने देखा कि एक नंबर आपको मिल गया, ये निश्चित तौर पे अगर हम इसको पी मान लें और इसको हम क्यू मान लें तो आपको यहां से मिल रहा है कि अभी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जेड थ्री आना, यानी जेड वन एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से गुणा करेंगे तो हमें एक तीसरी कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगी। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह भी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगी, यही क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है। तो वो आप यहां पे प्रूव भी कर ले जा रहे हैं। इसको हम एक उदाहरण के रूप में लेते हैं कि कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने कहा कि एक संख्या हम ले लें 2 प्लस 3i और दूसरी संख्या ले लें 1 प्लस i। इन दोनों को अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा z1 हो गया, ये हमारा z2 हो गया। तो z1 इंटू z2, सेम यही प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं। हम सीधे लिख दे रहे हैं कि जो वैल्यू आएगी ए सी ए और सी का मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू, यहाँ पे i के साथ कोई मल्टीप्लीकेशन ना होने का मतलब क्या मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 1 है, 3 इंटू 1 प्लस i 2 का 1 के साथ और 3 का 1 के साथ, That will give you minus 1 plus 5i। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस ढंग से कोई संख्या प्राप्त कर पाएंगे। कुछ नहीं है, आप सीधे सीधे इसको एक्सपेंड करिए और जहां i स्क्वायर आए उसकी जगह पे माइनस 1 पुट कर दीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट होता है। यहाँ तो हमने देखा, अब इस मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो हमने देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो है, यह जो सिद्ध कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को सिद्ध कर रहा है, अर्थात किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वह भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। नेक्स्ट रूल है कॉम्यूटेटिव रूल। क्या कॉम्यूटेटिव भी है, यदि जेड वन को जेड टू से मल्टीप्लाई करें और जेड टू को जेड वन से मल्टीप्लाई करें, यदि इनके क्रम में परिवर्तन कर दें क्या रिजल्ट में कोई परिवर्तन आएगा, निश्चित तौर पे उनके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जेड वन इंटू जेड टू और जेड टू इंटू जेड वन दोनों बराबर होते हैं, अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर में जो मल्टीप्लीकेशन होता है वह कॉम्यूटेटिव भी होता है। इसी प्रकार हम शो कर सकते हैं कि Z1 into Z2 into Z3 will be equal to Z1 into Z2 into Z3, अर्थात किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर किन्हीं तीन कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि हम पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें और फिर उसमें तीसरे का मल्टीप्लिकेशन करें तो वो उसी के बराबर होगा कि पहले हम अंतिम दो
का मल्टीप्लिकेशन करें और फिर उसमें पहले वाले से मल्टीप्लाई करें। इस रूल को कहा जाता है एसोसिएटिव रूल, अर्थात कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव रूल का भी पालन होता है। यहाँ पे ये है आपका कम्यूटेटिव रूल और ये है आपका एसोसिएटिव रूल, यानी ये साहचर्य के नियम का पालन करता है, क्रम विनिमेय के नियम का पालन करता है। रही बात इसकी आइडेंटिटी की, तो हम प्रूफ करेंगे इसकी आइडेंटिटी क्या हो सकती है। तो आइए देखें कि कौन सी संख्या इसकी आइडेंटिटी हो सकती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम किसे मानेंगे? कोई संख्या यदि हम z इज इक्वल टू a प्लस आई बी ले लें, एक संख्या e इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी कब? जब यह z के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें z ही दे दे। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें जड़ ही मिल जाए? तो यह जो e होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये 1 के बराबर होता है। इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0 i 0, 1 को हम 1 प्लस i 0 लिख सकते हैं। अब देखिए ये आइडेंटिटी है कि नहीं है, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखें कि a प्लस आई बी, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 प्लस आई जीरो का तो क्या वैल्यू आएगी? 1 का इसके साथ करेंगे तो a आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे b का t के साथ ये 0 आ जाएगा, प्लस i a का d के साथ और b का c के साथ, तो b का c के साथ करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी b प्लस 0। और ये जो वैल्यू आ रही है आप देख रहे हैं a प्लस आई बी आ रही है, और ये है क्या? जड़। तो मल्टीप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वह 1 होती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। अब यदि यह हो गया तो क्या इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर में इनवर्स का एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? इसे हम कैसे देखेंगे? कोई नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स कब कहलाएगा? ये जेड डैश इज इनवर्स ऑफ जेड इफ जेड इंटू जेड डैश विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन की जो आइडेंटिटी है वो मैंने बताया कि 1 होती है, तो ये 1 के बराबर आ जाए। तो यहां से दिख रहा है कि जेड डैश हमारा होगा क्या? 1 बाई जेड। अब यह 1 बाई जेड हम निकालते कैसे हैं, इसी चीज को हमें देखना है। तो 1 बाई जेड, तो निश्चित तौर पे यहां पे मल्टीप्लिकेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर में इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, और वह जो इनवर्स आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही रेसिप्रोकल होता है, यानी 1 बाई जेड होता है। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल कैसे निकाला जाता है, इसको हम लोग देखते हैं।
यह अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल या 1/z की जो वैल्यू आती है वह होती है, जो यहाँ पे रियल नंबर है उसको ले लीजिए और इन दोनों के स्क्वायर का सम ले लीजिए, तो a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी प्लस i, जो यहाँ पे b था इसको हम माइनस कर देते हैं और नीचे जो वैल्यू जिससे डिवाइड करेंगे वो सेम वैल्यू जो अभी हमने लिखा था। तो ये जो क्वांटिटी आएगी यह इनवर्स होगी इस z का। अब आप चाहें तो इस संख्या को इस संख्या से मल्टीप्लाई कर लीजिए और अपना रिजल्ट देखेंगे तो आपको जो संख्या आएगी अर्थात a प्लस आई बी अगर हम ले लें और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, a अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे इस माइनस को हम यहाँ लिख ले रहे हैं माइनस आई बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लें। तो यह जो वैल्यू आएगी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वह 1 के बराबर आता है, अर्थात यदि कोई संख्या हमें a दिया रहे इस ढंग से तो उसका जब हमें इनवर्स निकालना होगा तो हम करेंगे क्या कि जो इसका रियल पार्ट है उसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या करें, डिवाइड कर दें, उसके बाद हम इसमें माइनस साइन लगा दें, फिर आई लिख दें और फिर जो यहाँ पे इमेजनरी पार्ट दिया हो उसको जैसे हमने रियल पार्ट में डिवाइड डिवीजन किया था वैसे इमेजनरी पार्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू आएगी वह क्या हो जाएगी, इस ये जो वैल्यू मिलेगी हमें यही इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स मिल जाएगा। तो इनवर्स निकालने का तरीका यही है, जैसे हम कहें कि 2 प्लस 3i का इनवर्स निकालिए, यदि z बराबर इतना है तो 1/z का मान क्या होगा, तो आपको कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे क्या करेंगे 1/z विल बी इक्वल टू 2 है तो 2 लिखिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 9, माइनस साइन लगाइए क्योंकि इस रूप में लिखें या फिर माइनस लगा के लिखें, आई इमेजिनरी पार्ट होगा 3 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट विल बी दिस। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी आप देख रहे हैं क्या आ जाएगी, 2/13 प्लस आई सॉरी माइनस आई 3/13, यही जो होगा वह इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम इस ढंग से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक इसमें रूल लागू होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव रूल फॉलो होते हैं, आइए हम उसको भी देखते हैं। यदि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें z1, z2 प्लस z, अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये आएगा क्या, तो हमने देखा कि ये वैल्यू आती है z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z। इसके पहले जैसे हम करते थे 2 इंटू 3 प्लस 4, इसको हम लोग कर लेते थे कि 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, जो यह रिजल्ट आता था वही ये रिजल्ट। इस रूल को कहा जाता था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पे भी वह रूल लागू होता है कि यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम है उसमें किसी तीसरी संख्या का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो वह उसी के बराबर होगा कि उन संख्याओं को पहली संख्या से हम अलग अलग गुणा करें और फिर उनका सम ले लें।
इस वाले रूल को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। तो यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव रूल का भी पालन करता है। तो अगर कहीं पे निकालना हो, जैसे हम कहें कि 2 प्लस 3 इंटू आई, यहां पे कर दें कि 3 प्लस आई 4 प्लस आई 1 प्लस आई, तो ये उसी के बराबर होगा कि पहले इन सबों का हम क्या कर दें, जोड़ ले लें और जोड़ने के बाद इसमें मल्टीप्लाई करें, तो वही रिजल्ट आएगा कि पहले हम इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दें और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दें और फिर इन सब का क्या कर लें, सम ले लें, तो दोनों वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है, आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट करती है, इनवर्स इसमें एग्जिस्ट करता है, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी पालन यहाँ पे होता है। तो जो चीज़ें रियल नंबर में होती थी सेम वही चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हो रही हैं, सारी की सारी ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर में भी संपादित हो रहे हैं। तो यह था हमारा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट हैं, जैसे कंपोजिट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स या अन्य चीज़ें, इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बस आज यहीं तक, थैंक यू।